भाई देश संविधान से चलता है, देश राजनीति से नहीं चलता है। जब अर्ली संवैधानिक रूप से जो है आपको दोषी करार दिया गया है और आपको क्या नाम है कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने आपको दोषी करार दिया, इसमें किसी पार्टी किसी संस्था का कोई हस्तक्षेप तो है नहीं। इस तरीके के प्रोपोगंडा बना के देश में माहौल बिगाड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये न्यायपालिका का एक निर्णय है और निर्णय न्यायपालिका का सब सर्वसम्मत से सबको मानना चाहिए। तो न्यायपालिका के आगे चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी राजनेता हो, उसको आगे नतमस्तक होना ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ये जानबूझ के किया। नहीं तो आप सोचिए, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील उनके पास हैं, फिर भी उनको छोटे से मैटर पे सजा हो गई, इसका मतलब, और माफ़ी भी उन्होंने जानबूझ के नहीं मांगी, यानी वो चाह रहे थे हमको सजा हो जाए जिससे मुझको सिंपथी वोट मिले। मुझे ऐसा लगता है वो जानबूझ के उन्होंने अपने ऊपर सजा ली है। जनता क्या इस पर प्रतिक्रिया देगी, क्या 2024 में सिंपथी वोट? नहीं, देखिए, जनता ये सोच रही है कि न्याय में सब बराबर है। अगर उसी समय जो है ये कोर्ट से माफ़ी मांग लेते या जो भी प्रक्रिया थी कर लेते, इनके जो बड़े बड़े वकील थे वो कर लेते, तो शायद आज उनको ये दिन देखना ना पड़ता। ये उनकी हठधर्मी रही है और जिस तरीके की हठधर्मी से उन्होंने ये खामियाजा भोगता है, आगे भी इसी का और खामियाजा भोगेंगे वो। हमें तो लगता भी नहीं उनको सांसद बनना चाहिए। वो कहते हैं इधर से आलू डालो उधर सोना निकलेगा, तो जो इतना प्रतिभावान व्यक्ति है कि आलू डाल के सोना बना सकता है, तो ऐसे आदमी को देश की संसद में रहने का कोई अधिकार है नहीं। कांग्रेस का कोई नेता जेल चला जाए या जेल से बाहर आ जाए, ये कहीं हम लोगों के कोई भी महत्वपूर्ण विषय नहीं है। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। 2019 में भाषण के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य दिया था, उसको लेकर के जिस तरह से कार्यवाही हुई है, उसको लेकर के अब पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है और राजनीतिक माहौल 2024 से पहले ही गर्म हो चुका है। पक्ष का ये कहना है कि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है और ये सारी कार्यवाही जो भी राहुल गांधी के खिलाफ हुई है वो एक न्यायिक प्रक्रिया है और उसके तहत उन्हें इस सज़ा को भुगतना पड़ेगा और उसी के तहत सारी कार्यवाही हो रही है। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल है, बीजेपी की साजिश है जिसके तहत राहुल गांधी को फंसाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अडानी और पीएम मोदी के संबंधों को लेकर के सवाल कर रहे थे। ऐसे में जनता की राय ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जनता इस बारे में क्या सोचती है, उसकी क्या राय है कि क्या वाकई में ये एक तरह से बीजेपी की कोई चाल है राहुल गांधी को राजनीति से दूर करने का, या फिर राहुल गांधी के ही कर्मों का ये फल है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे। तो चलिए जनता से आज हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अग्रवीर सिंह गुर्जर नाम है मेरा जी। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, फिर तो भाजपा के कार्यकर्ता अगर आप हैं तो फिर इस बात पर अपना पक्ष जरूर रखिए कि राहुल गांधी के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, पहले उनकी उनको 2 साल की सज़ा हुई, उनकी सांसदी गई और अभी उनको घर खाली करने का नोटिस मिल गया है, इस पर क्या कहना है आपका? जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे, ये सत्यता है। राहुल गांधी जी चाइना की बात करते हैं, राहुल गांधी विदेश में जाके भारतीय जनता पार्टी के देश के दुनिया के सबसे बड़े नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं। अगर आज भारत की पहचान है तो हमारे विश्व के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की दम पर भारत जाना जाता है। पूरी दुनिया कहती है कि नरेंद्र मोदी जी अगर किसी को संकट आता है तो नरेंद्र मोदी जी अगर हस्तक्षेप करेंगे तो ये मामला सुलझ जाएगा। राहुल गांधी अनमेच्योर्ड हैं, इसलिए उनको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। अच्छा, तो जिस तरह से उन पर जल्दबाजी में कार्यवाही हो रही है, विपक्ष का ये कहना है कांग्रेस का कि बहुत जल्दबाजी में राहुल गांधी पर कार्यवाही हो रही है, ऐसा है क्या? ये कोर्ट का मामला है, इसमें जल्दबाजी, कोर्ट जल्दी भी निर्णय लेता, फास्ट कोर्ट चल रहे हैं, तो ये कोई इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तो 2024 में इसका कुछ असर? 2024 में दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा, कोई सामने दूसरा विपक्ष में है ही नहीं और एक तरफा चुनाव है और 100% कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार फिर भाजपा सरकार, मोदी सरकार इस नारे के साथ फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगी, ये तय है। प्रभु की कृपा है, हर हर महादेव, जय श्री राम। अच्छा, एक सवाल और, आप भी जल्दबाजी में लग रहे हैं, जाने की तैयारी में है, बताइए मुझे कि 400 के पार आप कह रहे हैं लेकिन विपक्षी जो एकजुट हो रहे हैं उनका कहना है कि 100 में सिमट जाएंगे। विपक्षियों क्या ममता जी का बंगाल में है, अखिलेश जी का थोड़ा खत्म हो चुका उत्तर प्रदेश में है, बहन जी का तो आपको दिख ही रहा है, तृण और भी जो पार्टियां उनका अपने अपने प्रदेशों में है। 2019 के चुनाव में सब एक मंच पर इकट्ठे हुए थे, क्या असर हुआ? कहीं कुछ नहीं, ये ढोकलापना है, ये सब इकट्ठे हो जाएं तब भी 400 पार, मोदी सरकार 100%, ये तय है।
प्रभु की कृपा है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी का इस तरह से 400 पार हो जाना ये बहुत बड़ी बात होगी, और जिस तरह से पिछले दो बार इन्होंने इस तरह का चुनाव जीता है तो वो कहीं ना कहीं संभव भी लगता है। कुछ और लोग भी हैं, आइए जरा उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइए। विकास दुबे। विकास जी एक बात बताइए, आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी पर कार्रवाई हो रही है, उनकी सांसदी चली गई, उनको 2 साल की सजा मिली है और उसके बाद उन्हें अब घर खाली करने का नोटिस मिल चुका है, इस पर क्या राय आपकी? देखिए न्याय प्रक्रिया सबके लिए एक है, पारदर्शिता बनी रहे और ये मोदी युग में ही संभव है। तो ये अगर सब कुछ न्याय व्यवस्था के तौर पर किया जा रहा है तो फिर विपक्ष का इतना हंगामा क्यों है? अब उसकी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको अपना चेहरा कि नहीं हम भी कुछ कर रहे हैं ये बोलने के लिए, तो बाकी जनता सब जानती है। जनता 2024 में फायदा देगी क्या इस मामले पर? देखिए आज पूरे भारतवर्ष की जनता मोदी को अपना आदर्श मानती है और गौरवशाली भारत बनाने के लिए जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं जनता को उनको पूर्णता विश्वास है। अभी तक आने वाले समय में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है चाहे वो किसी भी दिशा में हो तो जनता का पूर्ण बहुमत उनके साथ है। तो जनता का पूर्ण बहुमत मोदी जी के साथ है। सर आप मुझे अपना नाम बताइए। अभिनव दीक्षित। अभिनव जी ये बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी पर कार्रवाई हो रही है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए ये न्यायपालिका का एक निर्णय है और निर्णय न्यायपालिका का सब सर्वसम्मत से सबको मानना चाहिए, तो न्यायपालिका के आगे चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो चाहे कोई भी राजनेता हो उसको आगे नतमस्तक होना ही पड़ता है क्योंकि एक स्तंभ है हमारा भारतीय संविधान का एक स्तंभ है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है वो सर्वमान्य होना चाहिए चाहे वो जो भी हो। नहीं लेकिन कांग्रेस वालों का तो ये कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है और उसके तहत उन्हें सजा मिल रही है। देखिए कांग्रेस तो आप जान ही रहे किस विचारधारा की पार्टी है और किस विचारधारा से वो काम करती आई, आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने भारत के लिए क्या किया और अब जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी वो भारत के लिए क्या कर रहे हैं, तो कांग्रेस की तुलना अगर आप किसी अन्य दल या हमारी भारतीय जनता पार्टी से या किसी पार्टी से करेंगे तो एक मिथ्या के समान होगी। तो इसमें इसका कोई विषय ही नहीं है कि कांग्रेस क्या सोच रही है अन्य दल क्या सोच रहे हैं, वो अपना एक ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा फैलाए हुए हैं, इससे कोई चीज़ उनको हासिल होनी नहीं है। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप जिस तरह से राहुल गांधी पर कार्रवाई हो रही है वो सही आप उसे मानते हैं या गलत मानते हैं, क्या कहना है? देखिए जो राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई हो रही है ये मामला 2019 का है, 2019 से लेकर जो हम हमारी न्याय प्रणाली है जो न्यायपालिका है उसकी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत किसी के द्वारा अगर मुकदमा लिखाया गया तो सही है गलत है न्यायपालिका तय करती है। 4 साल का समय हुआ कोर्ट द्वारा, चूँकि ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं कोर्ट द्वारा इनको 4-5 बार कई बार नोटिस दे के बुलाया गया कि आप आइए आप माफ़ी मांग लीजिए, चीज़ें वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इनके अंदर चूँकि ये कांग्रेस ने 70 साल शासन किया है उसका घमंड उसका इनका इनके अंदर जो एक तरीके का ईगो वो इनके आड़े आता रहा और ये कभी उस नोटिस पर नहीं हाजिर हुए, इस कारण बस आज न्यायपालिका द्वारा इनको 2 साल या उससे अधिक की सज़ा दी गई। और चूँकि सज़ा जो हमारी 1951 की अधिनियम के अंतर्गत जो एक व्यवस्था है उसमें लिखा गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल की सज़ा होती है उससे अधिक की तो वो 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो उसके अंतर्गत जब आपकी संसद सदस्यता जाती है तो संसद सदस्यता जाने के बाद दूसरा पक्ष आता है कि आपको फिर वो संसद सदस्य का जो आवास मिलता है उसको भी आपको खाली करना पड़ेगा, तो एक सामान्य सी व्यवस्था है, इसमें बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा कर इधर उधर प्रोपोगंडा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी के मामले में कुछ ज़्यादा ही त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए होता क्या है कि देश को एक संदेश देना और संदेश आपके आचरण व्यवहार, जब देश का प्रधानमंत्री कैसा आचरण व्यवहार रखेगा तो उसका अनुपालन नीचे सामान्य लोग उसको देखते हैं उससे सीखने का प्रयास करते हैं, तो इसी प्रकार से जब राहुल गांधी जी द्वारा इस प्रकार का आचरण व्यवहार किया गया और उसका उन्हें दंड मिला तो इससे एक संदेश एक नज़ीर पैदा होगी देश के अंदर, जो आने वाले समय में अन्य नेता इन सब चीज़ों से बचने का परहेज करेंगे। 2024 में इसका कुछ फ़ायदा नुकसान बीजेपी को? देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर
अपने मैनिफेस्टो पर, अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस का कोई नेता जेल चला जाए या जेल से बाहर आ जाए, ये कहीं हम लोगों के कोई ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। राहुल गांधी जी जो व्यक्ति, हमें तो लगता भी नहीं उनको सांसद बनना चाहिए। वो कहते हैं इधर से आलू डालो उधर सोना निकलेगा, तो जो इतना प्रतिभावान व्यक्ति है कि आलू डाल के सोना बना सकता है, तो ऐसे आदमी को देश की संसद में रहने का कोई अधिकार है नहीं है। यानी साफ तौर पर ये कहना है कि वो संसद में रहें या बाहर रहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं चाय का। अभी बताइए कि जो माहौल इस समय राजनीति में चल रहा है राहुल गांधी को लेकर के, उस पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी को लेकर इसको ऐसा माहौल ही नहीं चला, देश का माहौल और न्यायपालिका का माहौल बनाने का काम चल रहा है। भाई देश संविधान से चलता है, देश राजनीति से नहीं चलता है। जब अर्ली संवैधानिक रूप से जो है आपको दोषी करार दिया गया है और आपको क्या नाम है कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने आपको दोषी करार दिया है, इसमें किसी पार्टी किसी संस्था का कोई हस्तक्षेप तो है नहीं। इस तरीके के प्रोपोगंडा बना के देश में माहौल बिगाड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। सीधी सी बात है, वो सब जनता सब देख रही है, सब जानती है। उनकी सांसदी भी चली गई है 2 साल की सजा पाने के बाद, कह रहे हैं कि ये भी एक षड्यंत्र है। 2 साल की सजा का जो नियम है उसमें षड्यंत्र की कहीं से बात ही नहीं है। जब 2 साल की सजा पर आपकी संस्था रद्द होने का एक पूरी नियम है उसके तहत उनकी गई है, उसके लिए ना भारतीय जनता पार्टी दोषी है ना कोई दोषी है। अच्छा, 1 महीने का वक्त भी उन्हें दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि आप उचली अदालत में इसके लिए अपील कर सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी वहां नहीं जा रही है। क्या ये सिंपैथी वोट बटोरने का कोई काम है क्या? नहीं नहीं, ये एक्चुअली में हरधर्मी होती है। इसलिए पहले भी उन्होंने किया, पिछले अगर 10 साल से ही सारा मामला चल रहा था, अगर उसी समय जो है ये कोर्ट से माफ़ी मांग लेते या जो भी प्रक्रिया थी कर लेते, इनके जो बड़े बड़े वकील थे वो कर लेते, तो शायद आज उनको ये दिन देखना ना पड़ता। ये उनकी हठधर्मी रही है और जिस तरीके की हठधर्मी से उन्होंने ये खामियाजा भोगता है, आगे भी इसी का और खामियाजा भोगेंगे वो। यानी कि वो आकलन नहीं कर सके कि इस मामले में उन्हें इतनी बड़ी सजा मिल सकती है। बिल्कुल नहीं, उनको हाँ बिल्कुल भ्रम में रह गए, हट में रह गए। एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा ईगो जो होता है वो भी व्यक्ति को बर्बादी की तरफ ले जाता है, ऐसा ही कुछ उनका भी रहा है। यानी कि भ्रम राहुल गांधी को ले डूबा। आपकी क्या राय है कि जिस तरह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, उनकी सांसदी चली गई है और अब उनका जो आवास है वो भी खाली करने का नोटिस मिल चुका है, क्या कहना है आपका? मुझे तो ये लगता है कि सिंपैथी वोट पाने के लिए उन्होंने ये जानबूझ के किया। नहीं तो आप सोचिए, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील उनके पास हैं, फिर भी उनको छोटे से मैटर पे सजा हो गई, इसका मतलब, और माफ़ी भी उन्होंने जानबूझ के नहीं मांगी। यानी वो चाह रहे थे हमको सजा हो जाए जिससे मुझको सिंपैथी वोट मिले, मुझे ऐसा लगता है वो जानबूझ के उन्होंने अपने ऊपर सजा ली है। तो जनता क्या इस पर प्रतिक्रिया देगी क्या 2024 में सिंपैथी वोट? नहीं, देखिए जनता ये सोच रही है कि न्याय में सब बराबर हैं, जब राहुल गांधी को सजा हो सकती है तो हमको भी हो सकती है। जनता तक ये मैसेज मेरे ख्याल से नहीं जा रहा, उनके पास यही जा रहा है कि सब लोग बराबर हैं। और बिल्कुल कहीं ना कहीं भारत एक संवैधानिक देश है और यहाँ पर संविधान के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अगर एक छोटा व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो उसे सज़ा मिलती है, तो फिर एक बड़ा नेता अगर गुनाह कर रहा है उसे सज़ा मिल रही है तो फिर इसमें गलत क्या है? ऐसे ही तमाम मुद्दों पर और लोगों से हम बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सनातन टाइम्स।